नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी है उन लोगों के लिए जो लोग CSD कैंटीन के माध्यम से फोर व्हीलर को खरीदना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों CSD के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है जो कि दोस्तों आप लोगों के बेनिफिट के लिए है, जहाँ पर कि आप लोग काफ़ी कुछ इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देखिए पूरी जानकारी इस वीडियो को, वीडियो अच्छा लगे, जानकारी हेल्पफुल लगे, कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, साथ ही वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। CSD की जो बेस प्राइस की सीमा है फोर व्हीलर के लिए वह दोस्तों इंक्रीज कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ आप लोगों के लिए बेनिफिट की बात है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पे लेवल 3A से लेकर के 5, जिसके अंतर्गत सिपाही, नायक और हवलदार रैंक को शामिल किया गया है, इनके लिए जो CSD बेस प्राइस की सीमा है वह 8 लाख रुपए है। अब इसमें यदि बात करें खरीदने की, तो दोस्तों यहां पर चाहे रिटायर्ड हो, सर्विंग हो या विडोज हो, जिनके लिए अप्लीकेबल है उन सभी को शामिल किया गया है। जैसे ही सर्विंग के दौरान आप 5 साल सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं यानी ORS रैंक में, वैसे ही दोस्तों आप लोग कार को खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और पहली कार 5 साल के बाद जैसे ही सर्विस हो जाती तब आप खरीद सकते हैं। जो सेकंड कार है वह आफ्टर रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट के बाद ही आप लोग खरीद पाएंगे, और एक कार से दूसरी कार के बीच जो गैप होगा वह दोस्तों 8 साल का होगा। इसके साथ ही दोस्तों जिन लोगों के रैंक के सामने ऑनरी लगा हुआ, जैसे कि कोई हवलदार से रिटायर्ड है लेकिन उसे ऑनरी नया सूबेदार मिल गया, तो वह दोस्तों बाय डिफॉल्ट सीधे ही अपने इस पे लेवल के अंतर्गत यानी कि पे लेवल 6 से 9 के अंतर्गत आ जाएगा, यानी नायब सूबेदार यानी कि वो सूबेदार के बराबर उसकी फैसिलिटीज लागू हो जाएंगी। तो दोस्तों उसका जो क्राइटेरिया होगा वो 10 लाख का हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं आप पे लेवल 6 से 9, जिसमें कि चाहे सर्विंग हो, रिटायर्ड हो या विडो जो भी अप्लीकेबल है, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी मैंने आपको रैंक बताए हैं ये आर्मी के बताए हैं, आर्मी में भी अलग अलग प्रकार के कोर्स हैं, उनमें अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। तो जो भी इनके इक्विवेलेंट रैंक हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में, वो लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको इसके बारे में नहीं जानकारी है तो आप लोग csdtoday.com पर विजिट करके भी देख सकते हैं, जहां आपको इससे संबंधित समस्त जानकारी दी गई है कि कौन सा रैंक इसके इक्विवेलेंट आता है, तो देख सकते हैं आप। इसके साथ ही यहां पर जो इनके लिए सीमा है वो 10 लाख की है। पहली कार वो लोग ORS के अंतर्गत खरीद सकते हैं जैसे उनकी सर्विस 5 साल हो जाती है तब, और दूसरी जो कार है जब भी वो पहली कार खरीदते हैं उस के और दूसरी कार के बीच में कम से कम 8 साल का गैप होना चाहिए। जब वो GCO बनते हैं सेकेंड कार तभी खरीद पाएंगे, और जैसे ही वो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं तब तीसरी कार खरीद सकते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 3 कार वो लोग खरीद सकते हैं, लेकिन एक कार से दूसरी कार के बीच में कम से कम 8 साल का गैप जरूर हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम अगला जो क्राइटेरिया है वह है दोस्तों पे लेवल 10 से लेकर 18 के लिए। तो दोस्तों इसके अंतर्गत चाहे ऑनरी लेफ्टिनेंट हो, ऑनरी कप्तान हो, इसके साथ ही जो ऑफिसर कैटेगरी के रैंक होते हैं लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर आदि, तो दोस्तों उनके लिए, तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे 20 लाख रुपए CSD का बेस प्राइस सीमा रखा गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी टैक्स शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो इनके लिए कोई ऐसी सीमा नहीं निर्धारित की गई है कि आपकी कितनी सर्विस हो जाएगी तब आप खरीदोगे पहली कार। आप कभी भी आज आपने ज्वाइन किया है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तो दोस्तों आप तभी जैसे ही ज्वाइन करते हैं वैसे ही आप खरीद सकते हैं, और जैसे ही आप पहली कार खरीद लेते हैं सेकेंड कार आप जब भी खरीदेंगे 8 साल का गैप आपके लिए भी होना चाहिए। और दोस्तों जो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो या भी वीडियो जो भी आपके लिए जो जैसा भी एप्लीकेबल है वैसा आपके लिए इसमें कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वह है डिफेंस सिविलियन के लिए। तो दोस्तों पहले सिर्फ डिफेंस सिविलियन ऑफिसर सर्विंग के दौरान ही ले पाते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ बदलाव कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पे लेवल 11 से 18 रखा गया है, तो इसके
अंतर्गत जो लोग आते हैं वो सभी लोग खरीद सकते हैं, और जो पेड आउट है डिफेंस एस्टीमेट से वही लोग इसके लिए कंसीडर किए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग 20 लाख की सीएसडी बेस प्राइस की सीमा देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सेम ऑफिसर्स, जैसे आपको मैंने बताया ऑफिसर्स के लिए, वैसे ही दोस्तों इनके लिए भी लागू है। ये लोग जैसे ही ज्वाइन करते हैं वैसे ही दोस्तों ये लोग कार खरीद सकते हैं। और दूसरी कार है, मतलब जब भी वो कार खरीदना चाहेंगे तो पहली वाली कार से दूसरी कार जब भी खरीदेंगे तो 8 साल का गैप होना चाहिए, और ये चाहे सर्विंग में हो या रिटायर्ड हो, इसका कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ में जो फैमिली पर पेंशनर्स हैं उनके लिए भी ये सुविधा लागू है। तो यह वह लेटर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी किया गया है 30 नवंबर 2022 को, जिसका रेफरेंस नंबर भी आप यहां पर देख पा रहे हैं, रिव्यू ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ फोर व्हीलर्स थ्रू सीएसडी, यह है इसका सब्जेक्ट लाइन। और यहां पर आपको पूरी जानकारी दी गई है, और यह जो पूरी आपको पीडीएफ है वह दोस्तों csdtoday.com पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, साथ ही इसको डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, और दोस्तों ये जो पूरी सुविधा है वह दोस्तों 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत